नमस्कार दोस्तों, रियलमी पी वन सीरीज लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर, जो कि लॉन्च होगा 15 अप्रैल को 12 PM में। इस सीरीज के अंदर दो फोन को लॉन्च किया जा रहा है। पहला है रियलमी पी वन 5G, फिर है रियलमी पी वन प्रो 5G। दोनों फोन में क्या कुछ मिलेगा और किस प्राइस पॉइंट पर आने वाला है, इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंटरव्यू देखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियलमी पी वन 5G स्मार्टफोन के बारे में। ये फोन दो कलर के साथ आने वाले हैं। दोनों कलर को आप यहाँ पर देख पाओगे। देखने में यह फोन काफी सही है, स्पेसिफिकेशन वगैरह भी काफी सही है और इस फोन का प्राइसिंग भी काफी कम होने वाला है। वैसे जो भी प्राइसिंग होगा, कंपनी उसे पहले से मेंशन कर चुके है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पे ही। रियलमी पी वन 5G स्मार्टफोन है। इस फोन में आपको मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में होने वाला है 120Hz का रिफ्रेश रेट। फ्लैट डिस्प्ले होने वाला है, बिजल्स काफी कम होंगे जो कि देखने में काफी सही लगेगा। अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे साइड से आपको मिलेगा 50MP का AI डुअल कैमरा और फ्रंट में आपको मिलेगा 16MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आने वाला है सेंट्रल टीनी पंच होल के साथ। रियलमी पी वन 5G स्मार्टफोन में आपको लगा हुआ मिलेगा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7050, जो कि आने वाला है LPDDR4X रैम के साथ और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। 5G फोन है तो आपको मिलेगा 8 5G के बैंड, 5000mAh बैटरी होने वाला है, जो की आएगा 45W चार्ज सपोर्ट के साथ और ये चार्जर आपको बॉक्स में मिलने वाला है। बाकी दो कलर है जिसे आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर हम रियलमी पी वन प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करें तो ये फोन तीन कलर के साथ आने वाले हैं और तीनों कलर काफी सही है। ये फोन आता है कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ और प्राइसिंग होने वाला है अंडर 20K, बिकॉज कंपनी ऐसा मेंशन कर चुकी है। रियलमी पी वन प्रो 5G स्मार्टफोन है। इस फोन में भी आपको मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में होने वाला है 120Hz का रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले काफी फ्लेक्सिबल लेवल का होने वाला है और काफी कम बेजल्स होंगे। अगर हम कैमरा सेटअप की बात करें तो रियलमी पी वन प्रो 5G स्मार्टफोन है। इस फोन में आपको मिलेगा पीछे की तरफ से 50MP का AI ट्रिपल कैमरा, जहां पर 50MP का मेन कैमरा है जो कि आने वाला OIS के साथ, उसके बाद 8MP का अल्ट्रा वाइड है, फिर 2MP का माइक्रो कैमरा और फ्रंट में होने वाला 16MP का सेल्फी कैमरा, जो कि आएगा सेंट्रल टीनी पंच होल के साथ। रियलमी पी वन प्रो 5G स्मार्टफोन है। इस फोन में आपको लगा हुआ मिलेगा स्नैपड्रैगन का 6th Gen 1, जो कि आता है LPDDR4X रैम के साथ और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ और यह एक 5G फोन है तो आपको मिलेगा अप टू 10 5G के बैंड। 5000mAh का बैटरी होने वाला है, जो कि आएगा 45W चार्ज सपोर्ट के साथ और ये चार्जर आपको बॉक्स में मिलने वाला है। दोनों फोन आने वाले हैं इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ और एंड्रॉइड 14 पर रन करता हुआ दिखेगा, जो कि बेस्ड होने वाला है लेटेस्ट रियलमी UI पर। बाकी जो भी कलर वगैरह है उसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए रियलमी पी वन प्रो 5G स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है और इस फोन का प्राइसिंग होने वाला है अंडर 20K। वैसे दोनों फोन लॉन्च होने वाले हैं 15 अप्रैल को 12 PM में फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। वैसे अगर हम एक्चुअल प्राइसिंग की बात कर ले तो रियलमी पी वन 5G स्मार्टफोन है। इस फोन का एक वेरिएंट आपको मिलने वाला है अंडर 15K में, मतलब 6GB 128GB का वेरिएंट आपको मिलेगा 15,000 रुपए में, जो कि काफी सही प्राइसिंग है। वही रियलमी पी वन प्रो 5G स्मार्टफोन है, इसका एक वेरिएंट आपको मिलने वाला है 18,000 रुपए के अप्रोक्स में, जो कि काफी सही प्राइसिंग है। और दोस्तों रियलमी पी वन सीरीज को लाने के पीछे एक ही मकसद है कि वर्तमान समय में कई सारे कंपनी काफी कम प्राइसिंग में आपको कर्व एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कराते हैं। उन्हीं सब चीजों को देखते हुए रियलमी पी वन सीरीज को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया और ग्लोबल मार्केट में। वैसे जो रियलमी पी वन 5G स्मार्टफोन है, उसके तरह मार्केट में और भी कई सारे फोन आपको सिमिलर प्राइस रेंज में मिल जाता है, लेकिन जो रियलमी पी वन प्रो 5G स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज काफी अच्छा स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाला है अंडर 20K में। हालांकि इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज भी लॉन्च होने वाला है, जिसका प्राइसिंग होने वाला है अंडर 20K, जिसके बारे में मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। धन्यवाद।